आज मैंने एक ऐसा वुड फार्म बनाया जो लिटरली 1 आवर में मेरे को 8,000+ वुड प्रोवाइड करवाने वाला है, एंड इसको बनाने में मेरे को लिटरली 9 आवर से भी ज़्यादा टाइम लगा है। एंड तुम लोग को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। सो जैसे कि आज मकर संक्रांति है, तो हैप्पी मकर संक्रांति एंड फुल पतंग उड़ाना, इंजॉय करना। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड तो कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे ऑडियंस मेरे वीडियो देख के चले जाते हैं या बस देखते हैं रिकमेंट में, सब्सक्राइब नहीं करते। तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, एंड बस यही कहना था। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ को। सो पिछले एपिसोड में एक मैंने पेरीमीटर फ्लैट किया था 100x100 का, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, एंड मैं उसके ऊपर एक वीट फार्म बनाया जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब बेसिक है एंड अच्छा खासा काम दे देता है। तो तुम लोग लोकेट देखो कितना ज़्यादा कूल दिख रहा है, कितना ज़्यादा एरिया क्लीन भी दिख रहा है। सो मैंने इसे पूरा स्टोन से कवर किया एंड यहाँ पे मेरा विलेजर काम कर रहा है। बट यही प्रॉब्लम है कि जब तक इसका अपना इन्वेंट्री फुल नहीं होता तब तक ये काम नहीं करता। सो अच्छी खासी टाइम इनमें एफ के करने में लग जाता है, लेकिन अभी हम लोग कलेक्ट करने वाले सारे रिसोर्स, एंड मेरे पास सारे रिसोर्स की लिस्ट है, एंड अभी हम लोग जो वुड फार्म बनाने वाले वो ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है, तो मैं सारी चीज़ें बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं 3 सल्कर बॉक्स, आई थिंक 3 सल्कर बॉक्स में हो जाएगा, एंड मैंने ऑलरेडी खाली करके रखा है, तो फटाफट से इन्हें प्लेस कर लेते हैं। तीनों सल्कर बॉक्स को प्लेस करने के बाद मैं सारे जितने भी रिसोर्स सब इनमें डाल लेने वाला हूँ, ताकि बार बार मेरे को आना जाना ना पड़े। मैं जानबूझ के पहले ही सब रिसोर्स कलेक्ट करता हूँ, एंड मेरे पास ब्लॉक सब तो पहले से ही थे, तो मेरे को ब्लॉक सब कलेक्ट नहीं करने पड़ेगा, बस बेसिक रिसोर्स। एंड मेरे पास बहुत सारे बम्बूज थे, तो मैं इन्हें प्लांट कर लेता हूँ। जो मेरे वीडियो पहले से देखते आ रहे हो उन लोगों को पता होगा कि जब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइंड करने गया था तब मेरे को एक जंगल बायो मिला था, जहाँ पे मैंने कुछ बम्बूज कलेक्ट कर लिए थे, एंड अभी इनको ग्रो होने देते हैं क्योंकि मेरे को नीड होने वाला है। तो एंजॉय करो टाइम लैप्स। ऑलमोस्ट सारे रिसोर्स मैंने कलेक्ट कर लिया, तुम लोग देख सकते हो मेरे अपने चेस्ट में रख दिया। एंड गाइज अभी मेरे को चाहिए कुछ स्लाइम ब्लॉक्स, कुछ नहीं थोड़े ज़्यादा ही चाहिए, ऑलमोस्ट 38 या 40। सो मैं 1 स्टैक ब्लॉक्स लेकर आने की कोशिश करूँगा स्लाइम ब्लॉक्स, ताकि मेरे को बाद में जाना ना पड़े, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बार बार जाना पड़ रहा है। या तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में फार्म ही बना दूँगा, तुम लोग कमेंट कर सकते हो क्या मैं फार्म बनाऊँ स्लाइम ब्लॉक्स का या स्लाइम बॉल्स का। सो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं। तो उससे पहले सब कुछ रॉकेट्स अपने हाथ में ले लेते हैं, मेरे पास फायर बॉक्स खत्म हो चुके थे एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बना के रखा है अंडर चेस्ट में, तो अंडर चेस्ट कलेक्ट करते हैं एंड चलते फाइंड करने को। एंड गाइस फाइनली ट्रैवल करते करते, कोऑर्डिनेट फॉलो करते करते मैं स्वयं बायो में आ चुका हूँ, एंड अभी हम लोग वेट करते हैं नाइट होने का, देन उसके बाद हम लोग कलेक्ट करने वाले स्लाइम बॉल्स एंड उसको कन्वर्ट करेंगे स्लाइम ब्लॉक्स में। एंड तुम लोगों को तो पता ही है यहाँ पे होने वाला क्या, घमासान युद्ध। सो तुम लोग देखना चाहते हो तो इन्जॉय करो टाइम लैप्स, एंड अभी मैं मारने वाला हूँ ज़ॉम्बीज विथ स्लाइम ब्लॉक्स। सो लेट्स डू इट। एंड गाइस डे हो चुका था एंड मैं वेट कर रहा था नाइट होने का, एंड मेरे को यहाँ पे एक विच हाउस दिखा था, इसमें तो कुछ होता नहीं है, बट मैं कोऑर्डिनेट को कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि कभी फार्म बनाने का रहेगा। तो फिर अगेन हम लोग फाइट करने लग जाते हैं, स्लाइम बॉक्स मारने लग जाते हैं, तो फटाफट से इंजॉय करो अगेन टाइम लैप्स।
एंड उसके बाद मेरे को पाउडर आइस की ज़रूरत होती, तो इसलिए मैंने इन कंपोस्टर को प्लेस कर दिया क्योंकि पाउडर आइस यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी इनको मैं छोड़ के जाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। तो अभी चलते हैं, हम लोग मिलते हैं ओवरवर्ल्ड में। एंड गाइस, ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मेरे को खूब सारा ज़रूरत था हैवल्स का, एंड हैवल्स बनाने वाला हूँ मैं कुछ टारगेट ब्लॉक्स। सो टारगेट ब्लॉक बनाने के लिए हैवल्स की बहुत ज़्यादा नीड है, एंड मेरे पास खूब बहुत सारा वीट तो है नहीं। सो मैं इसी तरह से अपने सारे हैवल्स बनाने वाला हूँ, तो एंजॉय करो छोटी सी टाइम लैप्स। एंड उसके बाद मैंने खूब सारा टारगेट ब्लॉक बना लिया। क्राफ्ट करने के बाद मैंने कुछ ग्लास टेराकोटा बनाया, एंड ग्लास कोरा का टेराकोटा का तुम लोग को अगर रेसिपी चाहिए तो गूगल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है ये बनाना। एंड अभी हम लोग इसको बनाने के बाद हमारा फाइनल टाइम आ चुका है गाइज। एंड गाइज, सारे रिसर्च करने के बाद मैंने डर्ट को कन्वर्ट कर दिया मड से, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं मैनग्रोव ट्री फार्म। सो मैनग्रोव ट्री फार्म बनाने के लिए हम लोग को मड्स का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि मैनग्रोव्स इन्हीं में ग्रो होते हैं। तो इनको अभी फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं सिल्क टच पिकअप से, क्योंकि मेरे सेबल में सिल्क टच लगा हुआ नहीं है, तो ये फिर डर्ट से कन्वर्ट हो जाएंगे आई थिंक सो। तो मैं इसलिए सिल्क टच पिकअप से कलेक्ट कर लिया। एंड गाइज, हमारा पूरा रिसोर्स कलेक्ट हो चुका है, एंड गाइज द फाइनल वे। तो अभी तुम लोग इन्जॉय करो पूरा टाइम लैप्स। एंड गाइज, मैं अपना फार्म बनाने के लिए बहुत बड़ा एक एरिया को फ्लैट कर दिया, मतलब क्लीन भी कर दिया, फ्लैट भी कर दिया। उसके बाद तुम लोग इन्जॉय करो प्रॉपर टाइम लैप्स अपने फार्म का। एंड गाइस, फाइनली हमारा फार्म बन के तैयार हो चुका है। बस हम लोगों को प्रोफो गैलेस चाहिए जो कि सैपलिंग्स होता है अपना मैंग्रोव ट्री का। सो अभी फटाफट से चलते हैं। फाइनली गाइस, बहुत टाइम से ट्रेवल करते करते मेरे को मैंग्रोव का बायोम मिल चुका है, एंड ये तो न्यू बायोम है, एंड बहुत ज़्यादा छोटा सा आइलैंड टाइप है। एंड यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था क्योंकि ये रेंडर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सो अभी फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग प्रोपेगेंडर्स की क्या बोलते हैं उन्हें, एंड वो कुछ इस तरह से, तो इनको सिल्टर से तोड़ लेते हैं। एंड या गाइस, आ चुके हैं, तो फटाफट से हम लोग खूब सारा ऐसा कलेक्ट कर लेते हैं। एंड गाइस, फाइनली सारे प्रोपेगेंडर्स कलेक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 9 प्रोपेगेंडर्स कलेक्ट कर लिया मैंने। एंड अभी मैं इन लोग को ले जाने वाला हूँ ओवरवर्ल्ड में, मीन्स अपने वर्ल्ड में। एंड या गाइस, मैं स्टार्टिंग बेस में आ चुका है। देन उसके बाद मैंने खूब सारा बोन मिल कन्वर्ट कर लिया बोन से, एंड उसके बाद गाइस मैं चल गया अपने फार्म पे। सो फार्म पे आने के बाद मैंने सारे जितने भी बोन मिल बनाया था ना गाइस, सो उनको मेरे को डालना है अपने इस चेस्ट में। इन चेस्ट में डालेंगे तभी जाके वो ग्रो करेगा। तो फटाफट से डाल लेते हैं सारे बोन मिल्स। एंड लिटरली गाइस, मेरे पास जितने भी बोल थे सारे को मैंने बोन मिल में कवर कर दिया। एंड गाइस, ऑलमोस्ट 1 डबल चेस्ट मैंने फुल कर दिया गाइस। तो तुम सोच सकते हो कितना सारा बोन मिल मेरे को लगा था। तो अभी चालू कर देते हैं अपना फार्म को, क्या चेकआउट करते हैं क्या हमारा फार्म प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो एंड सी गाइस।
परफेक्ट गाइज, एकदम परफेक्टली हमारा TNT डुप्लीकेटर तो वर्क कर रहा है। एंड हम लोग अभी चेक करने वाले क्या हमारा, अभी हम लोग AFK कर लेते हैं। लास्ट टाइम 30 मिनट्स ऑलमोस्ट AFK कर लेते हैं गाइज। एंड मैंने यहाँ पे जूम इन करके रखा है ताकि तुम लोग को प्रॉपर दिखे कि मैं कहाँ पे अपना सैपलिंग्स प्लेस करना चाह रहा हूँ। एंड गाइज ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद तुम लोग से मिलते हैं। सो गाइज जैसे तुम लोगों ने देखा टाइमलेस में मैंने बहुत टाइम तक AFK किया एंड बहुत सारे ग्रो भी हुए। एंड तुम लोग चेकआउट कर सकते हो इन्वेंट्री में लिटरली इतना सारा वुड मेरे को मिल रहा है एंड बाकी सब तो कचड़े हैं, तुम लोग ब्लैक ब्लैक देख सकते हो। सो फाइनली गाइज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है इस एपिसोड की दी एंड द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।